क्या 50 करोड़ डे वन बड़े मियाँ छोटे मियाँ नेट कलेक्शन में हिंदी तमिल तेलुगु मलयालम कन्नड़ा में जो भी जहाँ जहाँ में ये रिलीज़ हो रही है क्या वो 55 करोड़ का डे वन नेट कलेक्शन सारे लैंग्वेज मिला के हो पाएगा या नहीं उसके डिटेल चर्चा करने वाले हैं। क्या वर्ल्ड वाइड डे वन 100 करोड़ प्लस जाएगी या नहीं उसके बारे में भी डिटेल चर्चा करने वाले है। तो भाई क्लैश में भी ऐसी फिल्में हैं जो डे वन को 50-55 करोड़ गई है एनिमल, और कम से कम 40 करोड़ तो गई है, गदर 2 गई थी। तो क्लैश से 50 करोड़ नहीं होगा ये वाला एंगल छोड़ दो, हो सकता है अगर फैंस पकड़ ले फिल्म को तो, लेकिन हमारे अक्षय टाइगर के जो आधे फैंस हैं ना वो थोड़ा सा रुक जाते हैं, पहले दिन कभी कभी जाते नहीं है, तो ये बनेगा नहीं भाई। 50 करोड़ का आप लोग बोल रहे हो ना कि मैंने डे वन का प्रेडिक्शन इसीलिए नहीं किया कि एडवांस बुकिंग अगर तगड़ा भी होता है ना तो वॉकिंग ऑडियंस में मुझे डाउट है कि कितना जाएगी कितना नहीं, इसलिए मैं 35-40 का डे वन पकड़ के रखा हूँ। पर 50 करोड़ के लिए तो भाई इतनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी अक्षय टाइगर फैंस को कि सबसे पहले तो ये यूट्यूबर जो निगेटिविटी फैलाएंगे इनको इग्नोर करना पड़ेगा, इनके वीडियो देखने ही नहीं पड़ेंगे, और उसके बाद ही कुछ 50 करोड़ वाला प्रेडिक्शन होगा। अभी भी मैं बोल रहा हूँ अगर एडवांस बुकिंग दमदार हो जाता है तो मैं भी आगे चल के प्रेडिक्शन कर दूंगा 50 करोड़ का, पर एट प्रेजेंट 50 करोड़ का प्रेडिक्शन करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है यार। एज अ रिव्यूअर एज अ क्रिटिक मैं ब्लाइंडली किसी को भी झूठ मूठ का उम्मीद नहीं दिला सकता, मतलब समझ जाओ यार आप। तो डे वन का मेरा जो प्रेडिक्शन है वो अभी तो भाई 50 करोड़ वाला नहीं है, वो है 35 से लेकर 40 करोड़, ऊपर से क्लैश में भी फिल्म आ रही है और हमारे कुछ यूट्यूबर्स हैं जो और इस मूवी को बदनाम करना भी चाहेंगे, उसका थोड़ा बहुत तो असर होगा फिल्म पे। तो 50 करोड़ एट प्रेजेंट नहीं, हाँ लेकिन अगर इसका एडवांस बुकिंग दमदार हो जाता है तो डेफिनेटली इसको 50 करोड़ कम से कम कोई नहीं रोक पाएगा फिर, पर ये सिर्फ अगर मगर की बात है। एट प्रेजेंट डे वन को लेके मैं नहीं बोल सकता हूँ कि 50 करोड़ होगी अगर एडवांस बुकिंग दमदार होगा तो। सो आपको क्या लगता है इसके बारे में ज़रूर कमेंट्स में बताइए।